उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ब्लॉक बिलसंडा का पूरा मामला। बिलसंडा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यालय पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन व भारतीय किसान यूनियन चरुनी के पदाधिकारी व अन्य किसानों की एक आवश्यक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बिलसंडा बिजली घर पर चल रहे लंबे समय से बिजली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन क्षेत्रीय विधायक के मौखिक आश्वासन पर समाप्त करा दिया गया और कहा कि 10 दिन में बिजली की समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। 8 दिन गुजरने के बाद किसानों का धैर्य टूटने लगा। क्षेत्र के तमाम किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यालय पर इकट्ठे हुए। लंबे समय तक चली बैठक में किसान नेताओं ने निर्णय लिया कि माननीय विधायक को उनका वादा पूरा करने के लिए अपेक्षित समय दे दिया जाए। यदि 10 सितंबर तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान संगठन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। ये जानकारी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के आंदोलन प्रभारी प्रेम सागर पटेल ने दी। बरेली मंडल ब्यूरो चीफ गुरुदेव सिंह की खास रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा जो यहाँ पर मीटिंग की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि बिजली घर पर एक आंदोलन चल रहा था मरौरी और बकैनिया फीडर पर, मात्र 10 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही थी और अन्य राजस्व गांव में 18 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही थी। इस असमानता के खिलाफ आंदोलन चला। 25 जुलाई से आंदोलन चला बिजली घर पर, जिसको 27 अगस्त को माननीय विधायक जी ने आश्वासन देकर समाप्त करवा दिया कि आपकी समस्या को हम 10 दिन में निस्तारित करा देंगे। लेकिन उनका 10 दिन पूरा होने वाला है, आज 8वां दिन है, समस्या ज्यों की त्यों है। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? हमने विधायक जी का जो समय दिया हुआ उसका इंतज़ार करेंगे और विधायक जी को वादा पूरा करने के लिए 5 दिन का समय और देंगे और समय पूरा होने के बाद हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो सर, आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? आप सुबह से यहाँ पर मीटिंग चल रही है, क्या नतीजे पर पहुँचे हैं यहाँ पर? नतीजा यही है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो दोबारा फिर से आंदोलन होगा।